हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्सटाइल 2020। और आज मैं आपके लिए स्ट्रक्चरल फैब्रिक डिज़ाइन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है हक्का बैक एंड मोक्लिनो वीव। ये दोनों वीव आपस में मिलती जुलती हैं और इनको बनाने का तरीका भी काफ़ी कुछ सिमिलर है, वो चीज़ें आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हक्का बैक वीव की। हक्का बैक वीव के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है प्लेन वोवन और दूसरा पार्ट होता है फ्लोट का। जो प्लेन वोवन पार्ट होता है हक्का बैक वीव के अंदर, वो इस वीव को स्ट्रेंथ देता है और हार्ड वियरिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। और जो फ्लोटिंग पार्ट है इसका, वो इसकी मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी को इंक्रीज करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेन वीव जिसके अंदर बाइंडिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं वो स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करती है। तो हक्का बैक वीव के अंदर जो प्लेन वोवन पार्ट है वो इस वीव को स्ट्रेंथ देता है और इसकी हार्ड वियरिंग प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है। और जो फ्लोटिंग पार्ट है उससे इसका मॉइस्चर इंक्रीज होता है, क्योंकि किसी भी फैब्रिक के अंदर जितने ज्यादा फ्लोट होते हैं उसकी मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के इस वीव को बनाया गया है और इसका यूज मोस्टली कॉटन और लिनन के फैब्रिक्स को बनाने के लिए या कॉटन और लिनन की ड्रेसेस को बनाने के लिए किया जाता है। ग्लास क्लॉथ को भी बनाने के लिए भी इस वीव का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस वीव को बनाने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम हक्का बैक वीव को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस वीव को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है 10x6 का हम एक ग्राफ बनाएंगे। टेन बाय सिक्स, 10 एंड्स लेंगे और 6 पिक्स लेंगे, वो एक ग्राफ हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया 10x6 का एक ग्राफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है 1, 2, 3 थ्री पिक्स हमने नीचे रख ली, 3 पिक्स ऊपर रख ली, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव एंड्स लेफ्ट साइड में रख लिए, 5 एंड्स राइट साइड में। तो ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 क्वार्टर्स में हम इस वीव को डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम एक मोटिफ लेंगे जो कि हमारी वीव के अंदर फ्लोट का डिजाइन क्रिएट करेगा। ये हमने एक मोटिफ ले लिया 5x3 का, जिसके अंदर ये पूरा फ्लोट है, ये फ्लोट है, ये फ्लोट है। अब इस मोटिफ को हम इस पहले क्वार्टर के अंदर फिल कर देंगे। ये हमने मोटिफ इस पार्ट के अंदर फिल कर दिया। अब यही सेम मोटिफ हम इस पार्ट में फिल करेंगे, इस पार्ट में, और इसके अपोजिट इस पार्ट में हमने जो हमारा फ्लोटिंग पार्ट था वो हमने इसके अंदर फिल कर दिया। अब जो दो सेक्शन हमारे बच गए हैं उनके अंदर हम प्लेन वीव फिलअप करेंगे इस ढंग से कि मान लीजिए यहां पर डाउन है तो इसको हम अप कर देंगे, फिर इसको डाउन, फिर इसको अप कर देंगे, फिर डाउन, फिर अप। ये हमारा एक प्लेन वीव का ऑर्डर बन गया। अब ये अप है तो इसको हम डाउन छोड़ेंगे, इसको अप करेंगे, उसके बाद इसको अप डाउन अप, फिर डाउन अप डाउन, उसके बाद अप डाउन अप।
ये ऐसे करते हुए हमने इसके अंदर प्लेन वीव को फिलअप कर दिया। अब इसी तरीके से जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है इसके अंदर हम प्लेन वीव को फिलअप कर देंगे। तो अगर ये यहां पर डाउन है तो ये पार्ट हमारा होगा अप डाउन अप, उसके बाद ये डाउन, ये अप, फिर डाउन, फिर अप डाउन अप, उसके बाद डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो हमने ऐसे करते हुए ये पूरा डिजाइन इसके अंदर वीव के अंदर फिलअप कर दिया। अब ये हमारा जो पार्ट है फर्स्ट एंड थर्ड, इसके अंदर हमारा फ्लोटिंग का डिजाइन है जो इस वीव को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और ये जो हमारा सेकेंड और फोर्थ सेक्शन है इसके अंदर प्लेन वीव है जो इस वीव को बाइंडिंग प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से हम ऑर्डिनरी हक्का बैक वीव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल चार स्टेप हैं। सबसे पहले हमें 10x6 की ग्राफ ड्रॉ करनी है। वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसको चार पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट सेक्शन में और थर्ड सेक्शन के अंदर हमें कोई मोटिव फिल करना है जिसके अंदर फ्लोट क्रिएट किया जा सके। उसके बाद जो रिमेनिंग सेकेंड और फोर्थ सेक्शन है उसके अंदर हमें प्लेन वीव भरनी है ताकि वीव को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा सके। अब बात करते हैं मोकलिनो वीव। तो मोकलिनो वीव को बनाने के लिए भी हम सेम मेथड फॉलो करते हैं जो हमने फॉलो किया था हक्का बैक वीव को बनाने के लिए। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक 10x6 का ग्राफ। ये हमने ड्रॉ कर लिया 10x6 का एक ग्राफ। अब इस ग्राफ को हम डिवाइड करेंगे चार पार्ट्स में। पहले हम हाफ करेंगे नंबर ऑफ एंड्स का, 1 2 3 4 5। 5 एंड्स हमने रख लिए लेफ्ट साइड में और 5 एंड्स छोड़ दिए हमने राइट साइड में। अब बात करते हैं पिक्स की, 1 2 3। 3 पिक्स को रख लिया हमने बॉटम में, 3 पिक्स को रख लिया हमने टॉप में। ऐसे करते हुए हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब हर एक पार्ट के अंदर 5 एंड्स हैं और 3 पिक्स हैं, तो हमें कोई ऐसा मोटिफ इसके अंदर फिल करना है जो 5x3 के अंदर आता हो। ये मैंने 5x3 का ग्राफ तैयार कर लिया और इसके अंदर मैंने ये एक मोटिफ बना दिया। ये मोटिफ हम फिल करेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने मोटिफ फिल कर दिया। अब यही सेम मोटिफ हम फिल करेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। ऐसे करते हुए हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट को फिल कर लिया मोटिफ के साथ। अब हक्का बैक वीव के अंदर हम क्या करते थे कि यहां पर अगर डाउन है तो यहां पर अप फिर डाउन, एक प्लेन ऑर्डर के अंदर हम इस पार्ट को भरते थे और वही प्लेन वीव का ऑर्डर इस पार्ट के अंदर यूज करते थे। लेकिन मोकलिनो वीव में हम क्या करेंगे, जो पार्ट यहां पर खाली हमें दिखाई दे रहा है इसका रिवर्स, जैसे इस पार्ट का रिवर्स है ये, इस पार्ट का रिवर्स है ये, इसका रिवर्स है ये, और इसका रिवर्स है ये टॉप पार्ट, इसका रिवर्स ये और इसका रिवर्स ये। तो ये जो 6 बॉक्स जिसपे मैंने डॉट लगाई है इन बॉक्सेस को हम फिल करेंगे ओनली, ताकि इसका रिवर्सिबल डिजाइन बैक साइड में दिखाई दे। तो इस पार्ट को मैंने फिल कर दिया, इस पार्ट को फिल कर दिया, सिमिलरली फोर्थ क्वार्टर के अंदर, फोर्थ पार्ट के अंदर भी हम ऐसे ही जो ब्लैंक पार्ट हैं मोटिफ के अंदर जो ब्लैंक पार्ट दिखाई दे रहे हैं उसके अपोजिट जो पार्ट है उनको हम फिल कर देंगे। ऐसे करते हुए हमारी बन जाएगी मोकलिनो वीव। ये हमारी मोकलिनो वीव बन गई 10x6 की। तो हमने क्या किया, 10x6 का ग्राफ ड्रॉ किया, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट के अंदर एक मोटिफ फिल किया,
थर्ड पार्ट के अंदर वही मोटिव कॉपी किया। उसके बाद सेकंड और फोर्थ पार्ट के अंदर जो इसका रिवर्सिबल पॉइंट्स थे उन रिवर्सिबल पॉइंट्स को हमने फिल कर दिया ताकि इस मोटिव का रिवर्सिबल डिजाइन यहां पर दिखाई दे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट वही पार्ट है जो यहां पर फिल दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम बैक साइड से देखेंगे तो यही डिजाइन हमको उधर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर फ्लोट और बाइंडिंग पॉइंट्स दोनों क्रिएट कर देते हैं मोकलिनो वीव के अंदर। ये वीव लिनो फैब्रिक्स के अंदर यूज की जाती है, इसीलिए इसको मोकलिनो वीव बोला जाता है, लिनो फैब्रिक जो हम बनाते हैं उसके लिए। अब इस वीव को अगर हमें प्रोड्यूस करना है 6x6 या 8x8 के अंदर तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए पहले हम बात करते हैं 6x6 की। 6x6 की अगर मोकलिनो वीव हमें प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए सबसे पहले 6x6 का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये मैंने 6x6 का एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 1, 2, 3, 3 पिक्स इधर लेफ्ट साइड में, सॉरी 3 एंड्स लेफ्ट साइड में, 3 एंड्स राइट साइड में, 3 पिक्स डाउन और 3 पिक्स अप। तो ऐसे करते हुए हमने इसको 1, 2, 3, 4 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हर एक पार्ट 3x3 का है, हर एक पोर्शन 3x3 का है, तो हम इसके अंदर जो मोटिफ लेंगे वो होगा 3x3 का। ये हमारा मोटिफ बन गया 3x3 का। इस मोटिफ को हम इसके अंदर फिल करेंगे। इसी मोटिफ को फर्स्ट के अंदर जो हमने मोटिफ फिल किया है इसी को हम कॉपी करेंगे थर्ड के अंदर। फर्स्ट और थर्ड में हमने मोटिफ को भर दिया। अब जो फर्स्ट के अंदर जो ब्लैंक पार्ट दिखाई दे रहे हैं उसके रिवर्स में जो पार्ट्स हैं उनको हम फिल कर देंगे इस वीव से। ऐसे ही जो थर्ड के अंदर हैं उनका रिवर्स फिल कर देंगे इसके अंदर। तो ये हमने बना दी 6x6 की मोकलिनो वीव। अब बात करते हैं 8x8 की। सिमिलर तरीके से हम 8x8 की मोकलिनो वीव प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 8x8 का ग्राफ। ये हमने ड्रॉ कर लिया 8x8 का ग्राफ। अब इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ 4, 1, 2, 3, 4 4 लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड में, 1, 2, 3, 4 4 पिक्स नीचे, 4 पिक्स ऊपर। इसको हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमारा एक पार्ट 4x4 का है तो हमारा मोटिफ 4x4 के अंदर ही आना चाहिए। ये 4x4 एक पार्ट का साइज है तो हम जो इसके अंदर मोटिफ लेंगे वो कुछ ऐसा होगा। ये हमारा 4x4 का मोटिफ है, इसको हम भर देंगे फर्स्ट पार्ट में। इसी मोटिफ को हम कॉपी कर देंगे थर्ड पार्ट में। अब ये पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट्स खाली हैं इस पार्ट के अंदर तो इन चारों पॉइंट्स को फिल कर देंगे इस पार्ट के अंदर ताकि इसका जो रिवर्सिबल डिजाइन है वो यहां पर हमें बैक साइड में दिखाई दे। ये हमने बना दी 8x8 की मोकलिनो वीव। तो मोकलिनो वीव और हक्का बैक वीव बहुत ही सिंपल है बनाने में, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आई होप आपको ये वीव बनाने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसको बनाने में या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड रिटर्न कंटेंट लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट textilehelp.org विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको ये वीव बनाने का तरीका और इससे रिलेटेड जो भी रिटर्न मटेरियल है वो आपको अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स भी आप वहां से टेक्सटाइल के ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।